नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। यूपी के संभल में चंद रुपयों की खातिर विद्यालय को बना दिया पशु बाजार। मासूम बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है शिक्षा विभाग। लगभग 12 बजे था स्कूल बंद और परिसर में भैंसों की खरीद फरोख्त की तस्वीरें हुई कैमरे में कैद। उच्चाधिकारियों को नहीं है मामले की जानकारी, फोन किए बंद। ऐसे में सरकारी विद्यालयों की कार्यप्रणाली पर खड़े हुए सवाल, क्या इस तरह बच्चों को मिलेगा शिक्षा का ज्ञान? क्या इस तरह पढ़ेगा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया? जी हाँ, जनपद संभल के विकास खंड रजपुरा तहसील गुन्नौर में एक ऐसा विद्यालय है जहां पर स्कूल को बंद कर स्कूल परिसर में पशु खरीद फरोख्त का काम किया जाता है, जिससे गरीब मासूम बच्चों की जिंदगी से टीचर और जिले के आला अधिकारी खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि इस पशु बाजार से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर खंड शिक्षा अधिकारी का कार्यालय है और इसके बावजूद कोई भी अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, क्योंकि इस बारे में अधिकारियों को जानकारी ही नहीं। अगर जानकारी नहीं है तो विद्यालय में पशुओं की खरीद फरोख्त का कार्य क्यों चल रहा है? यह एक संगीन मामला है। जबकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सरकारी विद्यालयों को मॉडर्न और सुंदर बनाने में लगी है। जरा आप इस तस्वीर को गौर से देखिए, शिक्षा का मंदिर बना पशुओं का बाजार। आप देख रहे हैं संभल से सतीश सिंह की रिपोर्ट। उसमें आज पशु बाजार लगी हुई है, तो ये क्या है पूरा मामला और क्या कार्रवाई की जाएगी दोषियों के खिलाफ? खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से इसकी जाँच कराई जाएगी। अगर ये सत्य पाई जाती है तो नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, जैसा कि आप यहाँ मुखिया पर बैठते हैं और आपके खंड शिक्षा अधिकारियों का वो रास्ता आम है, 4 किलोमीटर की दूरी पर उनका विकासखंड कार्यालय है, तो क्या उनके संज्ञान में नहीं यही मामला? उनसे बात करने के पश्चात ही पता चलेगा कि विद्यालय प्रबंध समिति के प्रस्ताव के थ्रू है कि SMC विद्यालय प्रबंधन समिति अगर की है, लेकिन विद्यालय बंद नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्या विद्यालय समिति ये प्रस्ताव पास कर सकती है अपनी मीटिंग में कि विद्यालय कैंपस में जानवरों को खरीद फरोख्त की जाए? विद्यालय विकास के लिए कोई चीज़ें गतिविधियों कराने के लिए वो प्रस्ताव प्राप्त करके सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर सकती है। अच्छा, पशु बाजार का भी विद्यालय कैंपस में लगवाने के लिए? ये अगर पूर्व से चल रहा है तो इसके बारे में पता किया जाएगा कैसा है, किस वक्त कैसे। हमारे अपना भविष्य इंदु प्रकाश फार्मेसी के साथ, डी फार्मा और बी फार्मा करके। इंदु प्रकाश फार्मेसी एट हल्दरपुर मऊ और साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी से एलोपैथिक में डी फार्मा करें। विजिट साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिकटिया, रोज गार्डन के सामने मऊ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।